सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले हैं बैट वैक्सीन्स के बारे में या फिर टिटनेस वैक्सीन्स के बारे में। बैट वैक्सीन्स का क्या यूज है, कब इसको यूज़ किया जाता है, कितने दिन यूज़ किया जाता है, ये यूज़ करने से आपको क्या बेनिफिट होता है, ये यूज़ करने से आपको क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, इसके अंदर क्या क्या इंग्रीडियंट्स या मॉलिक्यूल्स या कंपोजिशन डाले गए और ये किस प्रकार काम करता है और इसका डोज और ड्यूरेशन कितना और ये कब और कैसे लिया जाता है और कितने दिनों में इसको लिया जाना चाहिए। तो बैट वैक्सीन्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। चैनल पे वीडियो पे पहली बार विजिट किया भी नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो करते हैं बैट वैक्सीन, जो कि हमारे पास 0.5 ml का वायल से है, जिसकी MRP की बात करें तो इसकी MRP 11 rupees यानी कि 11 rupees के करीब इसकी MRP है। बैट वैक्सीन्स को बायोलॉजिकल्स इलिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, जो कि एक नामसेंस कंपनी है। बैट वैक्सीन्स के अंदर इंग्रेडिएंट्स या मॉलिक्यूल्स या कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर कंपोजिशन से है टेटनेस ट्रोक्साइड्स 5 LF। बैट वैक्सीन्स या टिटनेस वैक्सीन्स के यूज़ के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल प्रिवेंट्स करता है टिटनेस के इलाज में। बैट वैक्सीन्स का डोज और ड्यूरेशन की बात करें तो इसका डोज और ड्यूरेशन अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करें। अगर आप इसको कंटिन्यू बेस पे इस्तेमाल करें, है ना कि अपने डॉक्टर की देखरेख में नहीं इस्तेमाल करें, कंटिन्यू बेस पे इसका इस्तेमाल करें तो कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। साइड इफेक्ट में आपको होएगा इंजेक्शन वाली जगह पर रिएक्शन, दर्द, सूजन या लालिमा, भूख में कमी या फिर बुखार वगैरह आ सकता है या फिर आपका हेडेक हो सकता है, तो ये कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो बैट वैक्सीन्स का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करें। बैट वैक्सीन्स किस प्रकार काम करता है, यानी कि टिटनेस वैक्सीन्स किस प्रकार काम करता है। बैट वैक्सीन्स के अंदर इसका इस्तेमाल वैक्सीनेशन अगेंस्ट टिटनेस में होता है। यह हल्का इन्फेक्शन पैदा करके इम्यूनिटी विकसित करने में मदद करता है। इस प्रकार के इन्फेक्शन से बीमारी नहीं होती है, लेकिन किसी भी भविष्य में इन्फेक्शन से सुरक्षा के लिए एंटीबॉडी उत्पन्न करने के लिए शरीर में इम्यून सिस्टम को उत्तेजित करता है। बैट वैक्सीन आपको कोई भी मेडिकल या फार्मेसी या केमिस्ट में मिल जाएगा। अगर आपको ये न मिले तो इसका मॉलिक्यूल रहता है टिटनेस वैक्सीन, तो वो ले सकते हैं, जो कि आपको कोई भी मेडिकल या फार्मेसी या केमिस्ट में मिल जाएगा। बैट वैक्सीन को यूज़ करने के पहले अपने जनरल फिजिशियन या फैमिली डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करिए, बाद में इस वैक्सीन का इस्तेमाल करिए। अपने मन से बैट वैक्सीन का इस्तेमाल कभी भी नहीं करिए। तो बैट वैक्सीन के बारे में कुछ भी डाउट हो हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दिया है वहाँ पर बताएं। बैट वैक्सीन का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज। यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए था। कोई भी वैक्सीन का इस्तेमाल करने के पहले एक बार अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लें।